ये चाय नहीं एक धर्म है, वो धर्म जो हर भारतीय के दिल में बसता है, वो धर्म जो हम सबको जोड़ता है। जिस देश में सारे चर्चाएं चाय पर होती हैं, उस देश में चाय वाले भी आम जनता की रग रग को पकड़ते हुए अलग अलग प्रयोग करते रहते हैं। ऐसा ही एक कारनामा है तंदूरी चाय। चाय पर चर्चा करने वालों ने तंदूरी चाय को पूरे विश्व में लोकप्रिय बना दिया है। मुंबई से चली इस तंदूरी चाय की रेलगाड़ी अब नोएडा के सेक्टर 2 तक आ चुकी है। नवभारत टुडे आप दिखाएगा आखिर कैसे बनती है ये तंदूरी चाय। चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है तो कोई चाय वाला मेडल जीत कर आ जाता है, लेकिन एक चाय ऐसी भी है इस देश में जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तंदूरी रोटी का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन एक ख़ास चाय आई है जिसका नाम है तंदूरी चाय। ये चाय मुंबई से सफ़र करते करते अब नोएडा तक आ पहुँची है। इस चाय के जो ओनर हैं हम आपकी उनसे बात कराते हैं। सर आपका नाम? सचिन। सचिन जी आपको ये आइडिया कैसे आया चाय की? तंदूरी चाय का आइडिया, वेल हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि हम गरम गरम चाय पीना चाहते हैं। एक थोड़ा सा ट्विक माइंड हमने ये लगाया तो क्यों ना हम उस बर्तन को गर्म करें जिसमें चाय सर्व की जाती है। सो ऑल टुगेदर द हॉटनेस इज देयर इन द कूलर एंड द चाय। ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा एज ए कॉन्सेप्ट, और जब हमने इसको यहाँ पर विजुलाइज किया लोगों के साथ में तो काफ़ी पॉपुलर था दिख रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि ये बहुत अच्छी चीज़ हम लोगों के लिए लाए हैं एंड थैंकफुल टू पीपल की रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है। एक और हमारे साथ शख्स मौजूद हैं जो भी इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, इस चाय का कॉन्सेप्ट जो नोएडा तक लेकर आए हैं। सर आपका नाम? मोहित शर्मा। मोहित जी ये बताइए कितनी सक्सेसफुल रही है अभी तक जो आपने, कब से स्टार्ट किए पहले? एक्चुअली मुझे स्टार्ट किए 1 महीना हो गया है और सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड यहाँ के कस्टमर्स ने दिया है। खोलने के बाद पता लगा कि वाकई इंडिया में चाय के प्रेमी बहुत हैं। चाय तो इस देश में हमेशा से ही चर्चा पर रही है, चाय पर चर्चा भी होती है। सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग है नाम इसका तंदूरी चाय, तो लोग क्यूरियस होते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पिलाई जा रही है। आते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, काफ़ी वीडियो हमारा भी मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे भी पड़ चुका है 1 महीने के अंदर, और डेली 400-500 कस्टमर चाय पी के जाता है। डेली 400-500 कस्टमर यहाँ तंदूरी चाय पीते हैं और मैं भी तंदूरी चाय पी रहा हूँ इस टाइम, और हम भी आशा करते हैं नोएडा के और सारे लोग इनके पास आएँ चाय पिएँ। कैमरामैन रांची के साथ कासिर खान, नवभारत।